देखो अभी कौन सा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग, ये लिखा है वर्ड के क्वेश्चन इधर, समझा? इधर जाके क्या करोगे, नेक्स्ट के ऊपर जाने का, वर्ड सिलेक्ट करके क्या करोगे, नेक्स्ट, बाद में क्या करने का, इधर से ओके करने का है, वापस क्या करोगे, समझा? आपको जो भी फॉर्मेट चाहिए ना, हिंदी इंग्लिश मराठी, जो भी सिलेक्ट करो और क्या करोगे, इधर से ही नेक्स्ट करने का है ना, और बाद में क्या करोगे, अगेन नेक्स्ट, और बाद में क्या होगी, स्टार्ट एग्जामिनेशन। अगर अभी वर्ड में कौन से करने का, सिर्फ प्रैक्टिकल का क्वेश्चन करने का है, वर्ड में कौन से क्वेश्चन करोगे, सिर्फ प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल के ऊपर क्लिक कर दिया इधर। हाँ ये देखो लिखा ना, तीन क्वेश्चन इधर, पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या लिखा है, इधर से पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना, इधर क्लिक हियर टू स्टार्ट। अभी पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, चेंज द फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट की साइज चेंज करने का है, कितना करने का, वो 14, कितना करने का, फॉन्ट साइज 14 करने का, किसको, सेकंड सेंटेंस, कौन सा सेकंड सेंटेंस, मतलब ये फुल स्टॉप भी सिलेक्ट करने का, फुल स्टॉप के साथ सिलेक्ट करने का, और साइज कितने से करोगे, ये लिखा है द फॉन्ट साइज, जैसे कितना लोगे, 14 आ गया। बाद में बाहर क्लिक करो एक बार, और क्या करने के बाद में, सबमिट आ गया। अबे आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा इधर, पहला चालू कर दे क्वेश्चन, चालू कर दे, देखो नीचे आया क्वेश्चन, चेंज द लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन मालूम है ना कितने से देते, कौन सा बोला है, लेफ्ट मार्जिन चेंज करने के लिए बोला है ब्रो, इन द गिवन डॉक्यूमेंट, और कितना करने का, वो 0.75, मार्जिन का क्वेश्चन रहेगा ना, कौन सा भी लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, तो मार्जिन बोला जाएगा तो एक ही जगह मिलेगा, किधर आएगा मार्जिन का क्वेश्चन, किधर से किया था मार्जिन चेंज हमने, पेज लेआउट में, किधर जाओगे, पेज सेटअप, पेज लेआउट में किधर जाने का है, पेज सेटअप के ऊपर जाने का है, आ गया। उसमें कौन सा मार्जिन बोला अभी, लेफ्ट मार्जिन, कितना लोगे इधर से, 0.75, उसको डिलीट करके लिखो सिर्फ, समझ रहे, हेडर फुटर बोला रहेगा तो इधर जाने का, कभी कभी बोला रहेगा हेडर मार्जिन फुटर मार्जिन, तो लेआउट, लेकिन मार्जिन बोला रहेगा तो इसके अंदर ही ढूंढने का सिर्फ, और क्या करोगे बाद में, ओके सबमिट, आया क्या बोला, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द 8 सेंटेंस अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या करने का है, सेंटर, किसका, 8 सेंटेंस का अलाइनमेंट देने का सेंटर, तो अलाइनमेंट मालूम है ना किधर रहता है, होम में ही किधर मिलेगा आपको, ये लिखा है इधर लेफ्ट सेंटर राइट, और क्या करोगे इधर से, सबमिट। अभी आगे जाते प्रैक्टिकल के ऊपर, क्या बोला है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट में क्या बोला है, अप्लाई करो, कौन सा अप्लाई करने के लिए बोला है, इम्बॉस इफेक्ट, बोला है किसको, थर्ड सेंटेंस को, तो पहला थर्ड सेंटेंस सिलेक्ट करो। अभी इफेक्ट किधर मिलेगा, फॉन्ट इफेक्ट बोला है तो फॉन्ट के अंदर मिलेगा, फॉन्ट इफेक्ट बोला तो किधर मिलेगा, फॉन्ट में मिलेगा, आ गया, कौन सा इफेक्ट, इम्बॉस, कौन सा इफेक्ट है, इम्बॉस, आ गया। बाद में क्या करोगे इसको ही, ओके समझ रहे, बाद में क्या करने का, इधर से आ गया। क्या बोला है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज बैकग्राउंड, समझे ना, पेज बैकग्राउंड कलर क्या देने का है, लाइट ब्लू, पेज बैकग्राउंड मालूम है ना, सीखा था पेज बैकग्राउंड किधर से चेंज करते, किधर मिलता है पेज कलर, इधर जाने का, क्या लिखा है, पेज लेआउट, कौन सा ऑप्शन रहेगा, पेज कलर, बोल रहे अभी कौन सा बोला उन्होंने, लाइट ब्लू ना, तो कलर मतलब इसके अंदर ढूंढने का नहीं, सिर्फ लास्ट वाले लाइन में ही ढूंढने का है, कौन सा कलर है, देखो लिखा है इधर नाम, नीचे नाम आएगा देखो इसका, अरे लाइट ब्लू करके, इसमें नहीं मिला तो क्या जाओगे, इफेक्ट में जाने का है, सपोज बोला रहता ना टेक्सचर पैटर्न, वो सब इफेक्ट में मिलेंगे। अभी जैसे कलर लिया,
और सबमिट करो। क्वेश्चन दो तीन बार पढ़ने का ध्यान से बराबर। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द फॉन्ट इफेक्ट, बोलो ना फॉन्ट इफेक्ट चेंज करने का। किसका फोर्थ वर्ड, मतलब फोर्थ वर्ड किसका, फोर्थ वर्ड ऑफ थर्ड सेंटेंस, ये ना थर्ड सेंटेंस, इसमें से फोर्थ वर्ड कौन सा आएगा, इसको क्या बोला है, कौन सा इफेक्ट देने के लिए बोला है, इम्बॉस, और स्टाइल कौन सा देने के लिए बोला है, बोल्ड। किधर मिलेगा फिर, समझे ना, इधर से डायरेक्ट ले सकते हो, फॉन्ट में गए, कौन सा बोला इफेक्ट, मतलब इधर मिलेगा इम्बॉस, और क्या बोला है, बोल्ड, और बाद में ओके। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट रिप्लेस, मालूम है रिप्लेस देखा था हमने, रिप्लेस क्या करने के लिए बोलो, ऑल द, मतलब क्या ऑल द, मतलब ऑल मतलब क्या सभी, या द की जगह क्या आना चाहिए, एन, द विद एन, मतलब क्या जिधर जिधर द लिखा रहेगा उसकी जगह क्या आना चाहिए, एन लिखा होना चाहिए, तो कितने होगी रिप्लेस के बजाने, कितने आने का है रिप्लेस आ गया। अभी किसकी जगह चाहिए वर्ड, तो फाइनल डॉट में क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि द की जगह चाहिए ना, और रिप्लेस विद मतलब किसके साथ रिप्लेस करने का है, एन के साथ, देखो आ गया द की जगह क्या आ गया, एन आ गया, और क्या करोगे बाद में, रिप्लेस ऑल। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा रहता है ना वही लिखने का, समझेगा, और रिप्लेस ऑल करो, कितना रिप्लेसमेंट हो गया 14 ना, इसको ओके करते, अगेन क्या करोगे क्लोज। देखो हो गए तीनों क्वेश्चन, देखना तो इधर जाके देखने का, एग्जाम अटेम्प्ट डिटेल में जाके, समझे, एंड एग्जाम ओके करते, इधर से तीन बार ओके करो, देखो आ गया, अभी साथ ही क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, देखना रहेगा तो इधर जाके देख सकते हो, एग्जाम अटेम्प्ट डिटेल इधर जाने का प्रैक्टिकल में, तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है कौन सा राइट है, वो वापस नया एग्जाम लेना रहेगा तो कितने आओगे, एक अंदर अंदर टेस्ट, कौन सा लेते हैं अभी, वर्ड प्रोसेसिंग लेने का, कम से कम 5 एग्जाम सॉल्व करने का एक एक टॉपिक का। देखो स्टार्ट कर दिया, ये तो कोई इजी क्वेश्चन है वर्ड के ऊपर, ये आएगा तो आपको, ये क्वेश्चन अलग है, देखो इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज पेज बैकग्राउंड, मालूम ना पेज बैकग्राउंड क्या बोला है, पेज बैकग्राउंड टेक्सचर बोला है, और कौन सा टेक्सचर अप्लाई करने के लिए बोला है, रिसाइकल पेपर, तो अभी क्वेश्चन किया था इससे पहले पेज बैकग्राउंड वाला, किधर से किया था, पेज लेआउट में आने का है, पेज लेआउट में कितना हो गई, पेज कलर, बराबर है, इसमें कलर बोला है क्या, तो किधर जाओगे फील इफेक्ट, है ना, इसमें किधर जाओगे टेक्सचर के ऊपर, लेकिन कौन सा टेक्सचर बोला है उन्होंने, रिसाइकल पेपर, तो क्या करोगे पहले टेक्सचर के ऊपर क्लिक करने का, एक बार कर दिया, पहले टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर दिया ना, बाद में कीबोर्ड के ऊपर देखो राइट एरो है, मालूम है ना, चार एरोज में से राइट एरो दबाने का है, और इधर नाम देखते जाने का है, क्या नाम लिखा है इधर, ये नाम आया ना, तो राइट एरो दबाओगे तो आपको नाम पता चलेगा हर एक का क्या क्या नाम है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, रिसाइकल पेपर चाहिए, आ गया, आए इधर नाम और ओके करो। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द केस, मालूम है चेंज केस करके ऑप्शन रहता है एक, चेंज द केस ऑफ सेकंड सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस को कौन सा केस देने का है, अपर केस, कौन सा है दूसरा सेंटेंस, ये वाला, बराबर है, उसको कौन सा केस देने का, अपर केस, अपर केस किधर मिलेगा, ये लिखा है था चेंज केस, इसमें जो भी केस बोला रहेगा सिलेक्ट करने का, इधर से अभी कौन सा बोला है, अपर केस, चेंज केस बोला रहेगा तो इधर से सिलेक्ट करने का, और क्या करोगे, आया, ये भी देखो ये भी टॉगल केस है, उसके अंदर ही मिलेगा आपको ये वाला क्वेश्चन।
इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट अप्लाई नंबर लिस्ट, है ना। नंबर लिस्ट क्या देने का है, एबीसी फॉर्मेट देने का, तो सिलेक्ट करो इसको, ये ना नंबर लिस्ट कितना मिलेगा आपको, ये बुलेट लिस्ट है, नंबर जो है तो नंबर के ऊपर जाने का है। कभी कभी बोला रहता तो रिमूव द नंबर, समझे ना, रिमूव बुलेट या फिर नंबरिंग लिस्ट बोला है, तो इसके ऊपर क्लिक करने का। अलग देना है तो क्या करोगे, देने का इधर से, कौन सा फॉर्मेट बोला है उन्होंने, एबीसी फॉर्मेट बोला ना, तो इसके ऊपर क्लिक कर दिया। पहले सिलेक्ट करने का, लेकिन इसको देखो अभी फॉन्ट चेंज करने के बोला है, क्या बोला है, चेंज द फॉन्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस का फॉन्ट चेंज करने का, और क्या फॉन्ट देने का है, कैलिब्री करके फॉन्ट देने का है, बोला ना। तो फर्स्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करो इधर से, फॉन्ट किधर मिलेगा आपको, ये लिखा इधर, जैसे कौन सा फॉन्ट चाहिए, कैलिब्री ना, देखो दिख रहा है इधर, सिलेक्ट करो इधर से, बाद में सबमिट करने का है। आगे ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड क्या देने का, स्टेशनरी, समझे ना, पेज बैकग्राउंड मालूम है ना कितने से देते, पेज लेआउट, पेज कलर, फिल इफेक्ट, टेक्सचर के ऊपर क्लिक कर दे, पहले के ऊपर क्लिक कर दिया, बाद में कौन सा एरो दबाओगे, राइट एरो, आगे स्टेशनरी, इसको ओके कर दे। बाद में क्या बोला, इंसर्ट करने के लिए बोला, क्या इंसर्ट करने के लिए बोला है, टॉप एज अ हेडर एंड एंड एज अ फुटर, हेडर फुटर देने का ना, तो हेडर फुटर कितने कितने मिलेगा, इंसर्ट, ये लिखा ना हेडर, और देना रहेगा तो कितने जाते, एडिट हेडर देने का, तो किसने आओगे, एडिट हेडर। आगे इसमें क्या लिखने के लिए बोला, टॉप ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला लिखने का है, लेकिन स्पेलिंग जैसे दिया वैसे लिखने का, टॉप लिखा। अभी फुटर में क्या लिखने का है, एंड ना, तो फुटर के लिए कितने आओगे, ये लिखा इधर, गो टू फुटर, जब इधर से नहीं समझ में आता तो इधर जाओगे तो भी चलेगा, इंसर्ट फुटर, किधर जाओगे, एडिट फुटर, इधर क्या लिखने का है, एंड लिखने का है। अब बाद में क्या करोगे, इसको हेडर फुटर को क्या करने का है, क्लोज करो पहले, बाद में क्या करोगे, सबमिट, समझ रहे। थोड़ा क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द लाइन स्पेसिंग, किसका लाइन स्पेसिंग चेंज करने का है, टेंथ सेंटेंस का, कर दे सिलेक्ट, उसको लाइन स्पेसिंग क्या देने का है, मल्टीपल टू थ्री, तो लाइन स्पेसिंग कितना मिलता है, ये लिखा है लाइन स्पेसिंग, इसमें कितने आओगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाने का, कितने आओगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, और कौन सा लाइन स्पेसिंग बोला है, ये लिखा है इधर लाइन स्पेसिंग, समझे ना, इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे, उन्होंने क्या बोला है, मल्टीपल, कितना मल्टीपल बोला है, थ्री, तो सिलेक्ट करो इधर थ्री, और क्या करोगे, ओके, समझेगा। इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हाइपरलिंक, समझेगा ना, इंसर्ट बोला मतलब इंसर्ट के अंदर ही मिलेगा, इंसर्ट हाइपरलिंक टू द वर्ड, कौन सी वर्ड को हाइपरलिंक देने का है, कीबोर्ड, देखो दिख रहा है कीबोर्ड वर्ड, इसको सिलेक्ट कर दिया, और क्या लिंक देने का है, ये वाला फाइल का नाम देने का, yahoo.com, तो लिंक किधर मिलेगा, पहले कीबोर्ड को सिलेक्ट करो, किसमें आओगे, बाद में इंसर्ट, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो बुकमार्क बोला रहेगा, फिर हाइपरलिंक, अभी किधर जाने के लिए बोला, हाइपरलिंक में जाने के लिए बोला है, और क्या लिखोगे, यही स्पेलिंग लिखने का, आ गया नाम, समझ रहे, जो भी चाहिए स्पेलिंग लिखो इधर बराबर वैसे, और क्या करोगे बाद में, ओके करो, देखो आ गए ब्लू कलर में, समझेगा। देखो आगे वाला क्वेश्चन, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट एड अ टेबल, टेबल ऐड करने के लिए बोला है, क्या बोला है, विथ थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, टेबल मालूम है ना कैसे ऐड करते, इंसर्ट टेबल, बाद में कितने आओगे, इंसर्ट टेबल, कॉलम तीन चाहिए, रो भी तीन चाहिए,
और ओके कर दिया। बाद में क्या बोला है उन्होंने, चेंज द पेज बैकग्राउंड कलर ऑफ सेकंड सेल ऑफ फर्स्ट। लेकिन पूरा क्वेश्चन दिख रहा है क्या पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या करोगे, बाजू में दिख रहा है एरो इधर, इसके ऊपर क्लिक करने का। अभी ऑन हो गया पूरा क्वेश्चन, वापस अगर बंद करना रहेगा तो इसके ऊपर ही क्लिक कर दे, समझ रहे, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्या बोला उन्होंने, चेंज द पेज बैकग्राउंड कलर ऑफ सेकंड सेल ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कौन सी है, ये वाली भरो है ना, उसमें सेकंड सेल कौन सी आएगा, ये वाला दो नंबर वाला, तो उसमें सिर्फ क्लिक करो। उसका कलर कौन सा देने का है, ऑरेंज कलर, बैकग्राउंड कलर क्या देने का, ऑरेंज ना, तो क्या जाओगे डिजाइन, ये लिखा था शेडिंग, और शेडिंग में कौन सा कलर देखो, लास्ट वाली लाइन में देखो, आगे सिर्फ सेल के अंदर क्लिक करके रखो उधर। आगे वाला क्वेश्चन, इंसर्ट अ बुकमार्क, समझे ना, इंसर्ट बोलो तो किधर मिलेगा, इंसर्ट के अंदर ही मिलेगा। क्या इंसर्ट करने के लिए बोला है, बुकमार्क फॉर ऑल द टेक्स्ट, ऑल द टेक्स्ट मतलब सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑल द टेक्स्ट विथ नेम हेलो, तो क्या करते हैं कंट्रोल ए कर दिया, हो गया सब सिलेक्ट। और बुकमार्क देने का तो क्या जाओगे इंसर्ट, ये लिखा था बुकमार्क, और क्या नाम लिखोगे इधर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला लिखने का सब, और क्या करोगे ऐड कर दो, बाद में सबमिट, समझ रहे। पढ़ो क्वेश्चन, इन द गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट चेंज द हाईलाइट कलर, बोले ना दो कलर रहता है, एक तो फॉन्ट कलर रहता है और दूसरा हाईलाइट कलर, ये बाजू वाला है, हाईलाइट कलर चेंज करने का, किसका, थर्ड सेंटेंस एंड सिक्स सेंटेंस, मतलब थर्ड को सिलेक्ट करो, बाद में कंट्रोल बटन दबा के सिक्स को सिलेक्ट करो, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो एक एक सेंटेंस को दिया तो भी चलेगा। इसको सिलेक्ट करके कौन सा हाईलाइट कलर देने का है, वायलेट कलर, दिख रहा है वाला कलर, हाईलाइट कलर इधर से लेने का और फॉन्ट कलर इधर से। अभी सभी कलर देखना पड़ेगा आपको, वायलेट कलर कौन सा है, समझ रहे, वैसे इसको भी देने का सिक्स सेंटेंस को, इधर जाके क्या करोगे वायलेट कलर, आया समझ में, और सबमिट करने का। क्या बोला है लास्ट में, इन गिवन वर्ड डॉक्यूमेंट करेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर, समझे ना, करेक्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, तो स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक किधर मिलेगा, रिव्यू, रिव्यू में क्या लिखा इधर, स्पेलिंग एंड ग्रामर है ना, इसके ऊपर क्लिक करने का एक बार, और सिर्फ चेंज के ऊपर क्लिक करते बैठने का है। देखो मिस्टेक चेंज करने के लिए क्या करोगे, उसके चेंज के ऊपर क्लिक कर दो, आगे मैसेज ओके, इसको ओके करो और सबमिट, आएगा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए।